की मेरी डिश है पालक के पात्रे, या हम इसे मुठिया भी कह सकते हैं। इसके लिए एक बंच पालक को अच्छे से पानी में, दो तीन पानी में धोकर टाइट एकदम निचोड़ कर बारीक काट लें। अब एक बोल में इसे डाल दें और इसमें कटी हुई हरी मिर्च, अगर आपके पास लाल मिर्च भी अभी आ रही है वो भी हो तो वो भी काट लें, और अदरक कद्दूकस किया हुआ 1 इंच वो भी डाल दें। अब इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा सा साबुत धनिया, वो इसमें बहुत अच्छा लगता है, उसे थोड़ा सा कूट कर हमाम दस्ते में छोटे और उसमें डाल दें। अब इसमें एक कटोरी, बड़ी कटोरी बेसन और 2 बड़े चम्मच या आधी कटोरी चावल का आटा, इसे अच्छे से मिला लें। अब इसे हाथों से एक बार गूंद लें, अगर ज़रूरत लगे, कई बार हम पालक ढंग से ना निचोड़ते तो पानी ज़्यादा रह जाता है, तो ज़रूरत लगे तो थोड़ा सा और बेसन मिला दें, कुछ गीला सा एक आटा लगा दें और उसे थोड़ी देर रेस्ट करने रख दें। जब तक एक जाली वाली प्लेट में थोड़ा सा उसे ऑयल से ग्रीस कर दें और एक कढ़ाई में गर्म पानी चढ़ा दें। अब इसके बड़े बड़े मोटे मोटे रोल्स बनाएं और इस ऑयल लगी हुई, ग्रीस लगी हुई थाली पर रख दें। अब हमने कढ़ाई पर गर्म पानी करने रखा है, उसमें ज़रूरत है, अगर आपके पास बड़ी कढ़ाई है तो स्टैंड लगा कर ये प्लेट रख दें, मेरा इस पर डायरेक्ट लग जाता है, और फिर इसे ढक दें और इसे टाइम देखकर बराबर 20 मिनट के लिए मीडियम आंच पर पकने दें। फिर इसे एकदम ठंडा होने दें, ठंडा होने पर बड़े बड़े टुकड़े काट लें। आप चाहें तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत स्वादिष्ट लगता है, हेल्दी नाश्ता है बिना तेल का, बट थोड़ा सा अगर तेल के साथ करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। इसके लिए आप 2 चम्मच तेल डालें कढ़ाई में, उसमें 1 चम्मच तिल डाल दें और साथ ही ये कटे हुए पालक के मुठिया या पात्रे, इनके पीसेस रख दें। इन्हें 1-2 मिनट के लिए अच्छे से सेकें, फिर पलटें और थोड़ा क्रिस्पी होने तक मीडियम आंच पर सेक लें। तैयार है हमारे पालक के पात्रे या मुठिया, और कुछ लोग इन्हें पतोड़ भी कहते हैं। ये बहुत ही टेस्टी है, यमी, कभी भी खाएं, हेल्दी ब्रेकफास्ट है क्योंकि इसमें बहुत पालक लगता है, तो एक बार ज़रूर से बनाएं और खाएं।